चाय लगी भूपेंद्र का, बिल्कुल चांद तक दिखेगा भूपेंद्र को। चंद्रयान का है बताना जरा। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज भूपेंद्र का आई टेस्ट के लिए लेंसकार्ट से भैया आए हमारे ऑफिस में, क्योंकि भूपेंद्र कुछ दिनों से आंखों में प्रॉब्लम हो रही है उसको देखने में, और मतलब जैसे एक्सेल सीट पे वगैरह काम करने में वो गलत मतलब सही नहीं काम कर पा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो इस चक्कर में गाइस उसने आज लेंसकार्ट से बुक किया था अपना आई टेस्ट के लिए। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं भैया अभी आई टेस्ट करेंगे भूपेंद्र का, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए भूपेंद्र बैठ गए अपना आई टेस्ट करने के लिए, लेंसकार्ट से भैया आए हैं ये आई टेस्ट करने के। देखते हैं कैसे कैसे आई टेस्ट होता है। एक बार मैंने कराया था बहुत समय पहले, है ना प्रीतम भाई के साथ, करवाता ही रहता हूँ साल भर में एक बार। तो अभी वो सारा अपना देखिए वो सारा सेटअप कर रहे हैं अभी। इसी वक्त से चश्मा लेना हो तो जी, मतलब अभी टेस्ट कराने के बाद ही चश्मा लेना हो तो जी मिल जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से 2-3 दिन बाद, जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस से। कैसे बैठा देखिए डर रहा है, हैं डर लग रहा है भूपेंद्र यार, डरता ही रहता है तू, कभी मगरमच्छ से डर जाता है, कभी आई टेस्ट करवाने से डर रहा है। ओ तेरी वो देखिए अब बचपन के दिन आ गए, तो ABCD पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। हाँ क्या क्या पढ़ रहा है जरा बताइयो। ओ भाई सब बड़ी स्टाइलिश तरीके से हो रहा है कि इंची टेप लगा भूपेंद्र के मुंह पे। ये कितना डिस्टेंस में रखते हैं भैया, 3 फीट? अच्छा 3 मीटर। क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे वाले लाइन पे बताइए। अरे रुकिए अभी थोड़ी, ये बंदा अभी पढ़ लेगा तो बाद में क्या पढ़ेगा। 3 मीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है बताइए। ऊपर का बताया क्या लिखा है, क्या लिखा है अभी मत देखो यार, उसे तुम पढ़ लोगे पहले ही तो थोड़ी याद रहेगा वैसे। ये देखिए डिवाइस, ये सारे डिवाइस देखो भाई, इसीलिए इसीलिए काम गलत होते हैं, यही वजह है। तभी तो भूपेंद्र को लगा कि उसके आँख को, क्योंकि गलत बंदा कभी भी गलत टाइपिंग कर दे रहा है, तो इसीलिए बंदे ने तुझे भी कराना राजेश जी, आपको करवाना आई टेस्ट वैसे शाका यार। एक बात है मालिश करते रहते हैं राजेश जी अपने सर पे, तुम लगातार चमक रहा है। हाँ सच में चमक रहा है, बढ़िया। सिवाय जैसा कीजिए ऐसा। अरे क्या हो बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा हो कहीं ऐसा तो नहीं मशीन ब्लास्ट कर जाए भूपेंद्र की आंखें देखकर। यार ऐसे मत बोलिए, बंदा आई टेस्ट करवा रहा है यार पहली बार। भूपेंद्र तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आंख ठीक होगा या खराब है? आंख ठीक होगा यार, खराब क्यों है? अभी पता चलेगा, इसलिए तो लेंस कट से आए भैया ये, अभी तुम्हारा आंख टेस्ट कराते हैं और फिर प्रतीक सर को बताएंगे, ठीक है कि देखो सर इसका आंख खराब है। ओ तेरी ये चश्मा देखिए, ये वाला चश्मा मस्त जबरदस्त है। अब फोन अभी रख दो तुम साइड में। हाँ पहली बार लाइन्स कार्ड से बोल रहा है। राइट आई से पढ़िए, लेफ्ट मैंने बंद कर दी। राइट आई से पढ़िए ASPHE, अब पता नहीं नीचे क्या है। SAR OZ, हाँ OZ, फिर सर उससे नीचे साफ साफ नहीं दिख रहा है। अरे पढ़ो पढ़ो, कोशिश करो पढ़ने की। अभी बताइए अच्छा हुआ खराब हुआ। नीचे वाला में दिक्कत है गाइस, देखिए 3 लाइन पढ़ चुका है भूपेंद्र, लेकिन चौथे में दिक्कत है भूपेंद्र को अभी भी। यार फोन बंद करो तुम, ये अच्छा है ये अच्छा है।
अभी आप बताइए ये वाला लेंस अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है पढ़ के बताओ पूरा जो लाइन अच्छे से पढ़ रहे हो पढ़ो 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 आप बताइए ये अच्छा है या ये अच्छा है सबसे नीचे वाला इसमें बहुत ज्यादा मोटा क्लास है नहीं तो ठीक है आपका चश्मा वो हमारा वाला वो दिख रहा है साइड पकड़ लीजिए भारी है ना कभी गिर जाए आप मैडम बैठी वहां घूम के आइए देखिए सब कुछ ठीक है हाँ देख लो कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए कभी पकड़ लीजिए कभी गिर जाए कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है तो इसको चांद तक दिखेगा अब कितना होगा भैया इसका क्लास आपका कितना आपके सर में दर्द वगैरह नहीं होता सर में दर्द होता है चेक करना 1.75 है ना यही चश्मा ठीक लग रहा तुम्हारे ऊपर हाँ यही चश्मा ठीक लगा बोल दो भैया को यही दे दो मुझे यही दे दो ना भाई भैया यही दे दो तो गाइस फाइनली देखिए भूपेंद्र बताओ तुम इतना से गलत काम कर रहे थे हाँ दोनों आँख खराब है तुम्हारा बताओ लेकिन हाँ गुंजन ये सही बोलता था यार हम ही इसका विश्वास नहीं करते हम ही डांटे चल तो गुंजन बनवाना तुझे तो ये देखिए भूपेंद्र को अब नया मिला है ये मशीन वो वैसा आज भूपेंद्र का बिल्कुल चांद तक दिखेगा भूपेंद्र को चंद्रयान का है बताना जरा चार्जेस कितनी है टेस्ट की 99 रुपए नहीं क्या आपको भी करवाएगा सच में ओ तेरी ना भूपेंद्र ओ तेरी सही लग रहा भूपेंद्र इतने सारे ग्लासेस हैं यहाँ पे देख रहे वहाँ भी बंदे ने ट्रांसपेरेंट ही पहन रखा आईना देख लो आईना है वहाँ पे आईना भी भूपेंद्र के नाम पे सारे लोग अपना अपना चश्मा बदल लेंगे फिर आंख में ये बंदा अपनी आंख टेस्ट कराने के चक्कर में ये लोग अपना फ्रेम बदल लेंगे चक्कर में सारे और ये विशाल को जरूरत नहीं है फिर भी चश्मा लेना चाह रहा है बताइए विशाल को जरूरत नहीं फिर भी चश्मा लेना चाह रहा चेक कर रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा उस पर तो तुम्हें नहीं लेना चश्मा नहीं मुझे नहीं लेना मेरी आंखें सही हैं हाँ सही मेरे भी तो आंखें सही है मतलब दिखाई दे रहा सही है रियली यार भूपेंद्र तुम्हारा दिखाई दे रहा क्या देखना बताओ सबसे नीचे इस बंदे का आंख तो ये चील की निगाह है क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे क्या लिखा सबसे नीचे वाले नीचे में तो कुछ नहीं लिखा अरे वहाँ बंदे का आँख तेज है सही है चील की निगाह है मैंने बोला ही पहले चील की निगाह
हे गाइस, आंटी हमारा चाय लेके भी आ गई हैं, तो चाय पिया जाए। आंटी आंटी हाय तो कीजिए, हाय। हाँ चाय लगी रहे आंटी आराम से। ये देखिए सारा चश्मा लेके बैठ गया बंदा। चश्मा दुकान खोल रहे हो क्या? हाँ नितिन भाई चश्मा का दुकान खोल रहे हो? गलत है, फ्रेम बनेगा अभी तो। तो भूपेंद्र फाइनल हो गया तुम्हारा? तो तुम मतलब अंधे हो सच में? बेचती नहीं आज, मतलब लग गया कि तुम्हारे चश्मे की नीड है तुम्हें अब, है ना? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें, मतलब ऐसा तुम्हें अपने आप में लग रहा था यार? मुझे एहसास हुआ अपने आप में, मुझे कम दिखता है ना। चलो कोई नहीं, होता है सबके साथ, ये एज के साथ होता है ऐसा। टीवी एज ज्यादा हो गई, टीवी टीवी बहुत ज्यादा देखते हो? हाँ इसीलिए हो ऐसा। अक्षय कुमार बनेंगे। जब तक भीड़ कर दिया सारे बंदों ने, यहाँ देखे हाँ तुम्हें भी करवाना टेस्ट। ये तो टेस्ट, ये बंदा अपने आगे खुद ही टेस्ट करके आ गए चश्मे उसमें पहन के। गाइस ये देखिए भूपेंद्र के बाद अब धीरज बाबू बैठे हैं अपना आई टेस्ट करवाने के लिए। अब देखते हैं धीरज का क्या सीन है। भूपेंद्र खुश हो क्या आज, क्योंकि मेरे बाद भी कोई आया है देखो। जो भी डिस्टेंस करता है वो काम करना है, उस डिस्टेंस पर रखे सबसे इतना दूर से तो नहीं पढ़ते हो, यहीं पर आता है मोबाइल वगैरह चलाते हो तो डिस्टेंस क्या रहता है? सर ने भी दूर से ही पढ़ दिया, देख लीजिए ठीक है। तो एक मिनट खड़े इधर इधर मेरी आपने पास वाली नहीं देखी नजर? सब देखी भाई, तुम्हारी भी देखी थी पास वाली। तुम्हारे दूरी इतनी खराब है कि लोग पास वाली क्या देखे यार। इतना तगड़ा दूर का पड़ दिया तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये अगर सिस्टम का यूज रहता है ना तो आप जीरो पावर का पहन सकते हैं, उसमें कोई पावर नहीं रहेगी, लेकिन ब्लू प्रोटेक्शन रहता है उसमें। जैसे लैपटॉप मोबाइल टीवी ये चीज होती है ना, उनसे ब्लू नहीं रहती प्रोटेक्शन के लिए। भाई जिन सारों ने मिलके उस बंदे का टाइम वेस्ट कर दिया और लगातार फ्रेम देखते हैं, इसके लिए किसी ने कोई फ्रेम लिया नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट कर दिया उसका 2-3 घंटे है। मैंने तो पैसे भी नहीं दिए। पैसे नहीं दिए और तेरे फ्री में आई चेक करवा लिया हमारे धीरज बाबू ने। मस्त नहीं तुम्हारा आगे कुछ नहीं निकल लेता था इसीलिए फ्री में हो गया। तो सही है भूपेंद्र। हाँ तो चश्मा कहाँ से लोगे तुम? उससे नहीं लेंगे, बहुत महंगा होता है। हाँ रियली में थोड़ा महंगा था चश्मा उसका, बाहर से अच्छा अच्छा सर्विस था, बढ़िया। भैया कितना देर रुक के दिखाया तुम लोगों को यार वो, है ना? तो जब जस्ट घर पहुँचा हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा है, तो भाभी का फ़ोन आया था उधर से मोमोज लेते आना। तो गाइज अभी मोमोज पैक करा के मैं लेते आया हूँ, तो चलिए गाइज दिखाता हूँ आपको मोमोज। बहुत मतलब उस दिन भैया लेके आया था वहीं से लेके आऊँ, इतना टेस्टी मोमोज था क्या बताऊँ आपको। तो देखिए मोमोज दिखाता हूँ, फिर उसका चलेंगे पैर हाथ धोने के लिए। गाइज ये रहा जो मोमोज मैं लेके आऊँ, ये भाभी अकेले बैठ गई है खाने के लिए। सब्र नहीं आपको किसी का, अकेले बैठ गए खाने क्या दो? अच्छा ठीक है कोई नहीं, आप खाइए पैर हाथ धो के आते हैं हम, ठीक है? अच्छा लग रहा खाने में। गाइज ऑफिस से आने के बाद जब मैं मोमोज लेके आया था उसके बाद, गाइज मुझे और भैया को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा,
तो गाइस अभी जस्ट हम लोग आए हैं वहाँ से, और अभी गाइस अभी हमारा मतलब रात के 11 बज गए, तो हमारा डिनर भी अभी सर्व हो रहा है क्योंकि भूख बहुत तेज लगी, क्योंकि जहाँ हम लोग गए तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग गया, हम लोग कुछ भी नहीं खाया गाइस, वहाँ तो पानी भी नहीं मिला। तो ये देखिए गाइस हमारा डिनर सर्व हो रहा है, तो चलिए गाइस फटाफट से खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे तो। ये गाइस भैया बैठ गए हैं लैपटॉप लेके खाना खाए वास्ते, भैया खाना खा लीजिए, लैपटॉप रख दीजिए अभी। क्या नो क्या सोच रहे हैं? भूख लगा तो सोच निकालिए तो खाना। चलिए गाइस देखिए खाने में आज बना है सोयाबीन आलू की सब्जी एंड चावल तो ये है ही, तो चलिए गाइस खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। तो गाइस रात का डिनर कर लिया है मैंने, और आज गाइस जहाँ मैं गया था मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर पैदल भी चलना पड़ा था मुझे। तो गाइस रात भी काफ़ी हो गई, रात के 12 बज गए। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेके बाय, गुड नाइट।